हेलो गाइस, फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। गाइस आप देख रहे हो सुंदर व्लॉग्स। तो गाइस आज है गणेश चतुर्थी, सुंदर व्लॉग्स की ओर से आप सभी यूट्यूब फैमिली मेंबर को घर की गणेश चतुर्थी। तो गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गाइस आज मैं अपने गांव का वीडियो दिखाने वाला हूँ। यहाँ की गाँव में लोग किस प्रकार से अपने घर में गाय बकरी मुर्गे और मुर्गियों को रखते हैं, तो वही वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो गाइस आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और गांव में किस तरह यानी कि गांव में किस टाइप का लाइफ होता है गाय बकरी और मुर्गियों का, तो यानी कि उन सबका अलग अलग शेड बनाया जाता है, तो उसे तो मैं आपको दिखाने वाला हूं अपने गाँव में किस प्रकार से बना है। तो गाइस आपको जहाँ पर भी गाँव में जाओगे ज़्यादातर बस्तर इलाके में तो इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? कच्चे शेड बनाए जाते हैं तो कहीं पक्के शेड बनाए जाते हैं। तो गाइस मैं अपने गांव में किस टाइप का बना हुआ है तो मैं अभी आपको वही इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो गाइस आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस देखते हैं किस टाइप का बनाते हैं, तो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊँगा, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है। ये देखिए गाइस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दूर से, और पास में जाके देखते हैं किस टाइप का बना हुआ है। देखिए कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये पूरा जंगल से लाया हुआ लकड़ी है और लकड़ियों के से ही बना है और ताड़ के पत्तों से। ये आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत। जब बरसात होता है तो गाय मन को यहाँ पर बांधते हैं और जो यहाँ से बचता है उसको इधर बाहर में बांधते हैं। तो गाइस कुछ इस प्रकार से बना है, डिजाइन बहुत ही मस्त लग रहा है और यहाँ पानी भी नहीं छूता है। तो गाइस इस प्रकार से बना है और जो ये खूटा मन दिख रहा है यहाँ पर भी गाय मन को बांधते हैं, अभी गाय को छोड़े हुए हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ताड़ का वृक्ष गरी के पास होता है, ऐसे भी गाँव में बहुत सारा होता है, तो उन्हीं पत्तों से बना है ये गाय का शेड कच्चा वाला। देख सकते हो कुछ इस प्रकार सा है, ये आप देख रहे हो पीक, या भी मैं आपको पीक का सेट दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये देखिए सुअर का सेट कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, ये है अंदर जाने का गेट। तो गाइस देख सकते हो बहुत ही मस्त लग रहा है, अभी यहाँ पर सुअर नहीं है, सुअर को छोड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सुअर को रखा जाता है। देख सकते हो यहाँ पर भी ताड़ के पत्तों से ही बनाया गया है, बहुत ही मस्त लग रहा है। देखिए गांव में ज़्यादातर इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ये पुल। गाइस ये पुल 12 महीना फूलते रहता है, या ना ऐसा कोई महीना नहीं जो नहीं फूलता हो। तो गाइस आप देख सकते हो ये थोड़ा पक्का मकान टाइप का बना हुआ है, देख सकते हो ये सुअर का घर है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर सीट डाला गया है, देख सकते हो छोटा सा फाटक, यहाँ से सुअर अंदर की ओर जाता है, और इसका ये पुराना वाला। तो गाइस आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार सा बना हुआ है, ये भी गाय का शेड है, देख सकते हो ये भी पिलर ईंटों से जोड़ा गया है और बीच बीच में लकड़ियों का कूटा डाला हुआ है। तो गाइस यहीं पर गाय मन को बांधते हैं और कुछ इस प्रकार सा दिखता है, और आप देख सकते हो ज़्यादातर गांव में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा बस्तर के ज़्यादातर गांव में। और देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त, अभी मैं आपको आगे और दिखाऊंगा बकरी का सेट किस टाइप का होता है। बकरी का सेट तो यहाँ नहीं बनाए, देख सकते हैं यहाँ पर बकरी मन को ऐसी ही बांधे हैं, बकरी भी अभी नहीं है, शायद छराने लेके गए हैं। देख सकते हो यहाँ पर बकरी मन का ये खूटा मन में बांधते हैं जैसे कि घर के किनारे, और मुर्गियों को पेड़ों में रखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ये सुअर बहुत सारे बच्चियों के साथ है, आप देख सकते हो मुर्गी और सुअर मन बहुत ही मस्त लग रहे हैं। इसी प्रकार से हर घर में आपको सुअर बकरी मुर्गा गाय देखने को मिलेगा ज़्यादातर गांव में। तो आप देख सकते हो बढ़िया आय के साधन है इन सभी में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।